हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। टैली प्राइम में क्या सीखने वाले हैं, देखिए एक व्यूअर है हमारे जिन्होंने सवाल पूछा है और सवाल उनका कुछ इस तरह का है कि ये जानना चाहते हैं कि टैली प्राइम में कोई भी पर्सन का अंडर लेजर क्या होगा। ठीक है, तो पर्सन दो तरह के होते हैं। देखिए टैली को हम बिजनेस के पर्पस से यूज करते हैं, ऐसा तो है ना कि घर के काम काज के लिए, घर के खर्चे के लिए हम टैली यूज करते हो। भाई 17-18 हज़ार देकर के हम घर का खर्चे का ब्यौरा थोड़ी देंगे उसमें। तो टैली को जब भी यूज करेंगे तो बिजनेस के पर्पस से यूज करेंगे। तो दो पार्टियां जनरली होती हैं, एक क्रेडिटर पार्टी दूसरी डेटर पार्टी, दोनों ही का लेजर आप बना सकते हैं। सिंगल लेजर बनाना है तो यहाँ पर क्रिएट पे चले जाइए, यहाँ आपको लेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर जाकर के आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल लेजर भी बना सकते हैं। मल्टीपल लेजर कैसे बनेगा, मल्टीपल लेजर बनाने के लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा लेजर्स ऑप्शन, तो बस यहाँ पर एंटर कीजिए और यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा मल्टी मास्टर, तो यहाँ पर आ जाइए और मल्टी क्रिएट पर आ जाइए। तो बस मल्टी क्रिएट पर आने पर यहाँ पर दिया हुआ है ऑल आइटम्स। ठीक है, ऑल आइटम्स चाहे तो ले सकते हैं या फिर सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर पार्टी भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर अभी मैं सन्ड्री क्रेडिटर ले लेता हूँ, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर कर दिया। आप जो भी बनाएंगे हम लेजर ना, सब सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी। तो यहाँ पे बना दिया एक अभी नाम से लेजर, ये चला गया सन्ड्री क्रेडिटर में। ठीक है, फिर बना दिया सोनू नाम से लेजर, ये चला गया सन्ड्री क्रेडिटर में। फिर बनाता हूँ यहाँ पे सुरेश नाम से लेजर, तो ये भी चला जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। ठीक है, तो इस तरीके से सुरेश लिखना है, SURESH। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लेजर बना सकते हैं। ठीक है, एक और लेजर बना लेते हैं दुर्गा नाम से, तो ये दुर्गा कर दिया हमने। तो ये चार लेजर्स हमने क्रिएट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करा लीजिए कंट्रोल ए प्रेस करके। तो अभी बना लिया, सुरेश बना लिया, ऐसा चार लेजर हमने क्रिएट किया। ठीक है, अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अगर आपको क्रेडिटर पार्टी के अलावा डेटर पार्टी का भी लेजर बनाना है तो यहाँ पे जा सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और फिर आपको मल्टी मास्टर पे जाना है, बस आपको यही काम करना है। ठीक है, तो चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाइए, फिर यहाँ लेजर्स पे जाइए और फिर आप चले जाइए मल्टी मास्टर पे। तो नीचे मल्टी मास्टर आपको मिल जाता है, आप यही जो है अल्ट के साथ प्रेस करके बटन, और अल्ट के साथ आप एच प्रेस करके भी मल्टी मास्टर पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टी क्रिएट पे आ जाएंगे और इस बार हमें बनाना है सन्ड्री डेटर, तो SUNDRY सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर दोनों दिख रहा है, तो बस हमें डेटर लेना है इस बार। तो यहाँ पे कर देता हूँ राजेश। ठीक है, एंटर प्रेस किया, फिर यहाँ पे कर देता हूँ राधा, एंटर टैब बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ सूरज। तो ये तीन डेटर पार्टियां भी हमने बना ली। ठीक है, तो इस तरीके से लेजर्स आप बना सकते हैं। ठीक है, लेजर बनाना बहुत आसान है, और भी किसी चीज़ का बैंक वैंक का लेजर हो तो आप यहाँ पे जा करके और यहाँ पे लेजर्स पे जाइएगा और यहाँ से मल्टी मास्टर पे चले जाइएगा। एक से अधिक बैंकों का भी लेजर बनाना है तो मल्टी क्रिएट पे जा करके और यहाँ कर दीजिए बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे देखेंगे तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। ये ग्रुप पहले से बने होते हैं, अब इसमें बैंक अकाउंट ले लीजिए, जो भी बैंक का अकाउंट बनाना हो। तो यहाँ पे मान लीजिए स्टेट बैंक का बनाना है तो यहाँ लिख दीजिए स्टेट बैंक, और ग्रुप आपका जो है अंडर आपका बैंक अकाउंट ही रहेगा। ठीक है, अगर ओपनिंग बैलेंस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, फिलहाल छोड़ता हूँ। और फिर यहाँ पर देखिए एक और बना लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, तो ये लिखता हूँ कोटक। ठीक है, कोटक महिंद्रा, तो ये लिख दिया कोटक महिंद्रा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा तो ये भी हो जाएगा। तो दो बैंकों का लेजर हमने क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से आप लेजर्स बना सकते हैं। लेजर बनाना बहुत आसान है, अब इनका यूज़ करना होगा तो क्या करेंगे, वी प्रेस करके वाउचर में जाएंगे। क्रेडिटर पार्टी का यूज़ करना है तो हमें परचेज वाउचर में जाना होगा, यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालना होगा। आगे की चीज़ें हम बहुत सारे वीडियोज़ में कई बार सीख चुके हैं, तो यहाँ पर दुर्गा लगा लेता हूँ मैं इस बार लेजर। ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कराता हूँ। यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा, अल्ट के साथ सी प्रेस करके आप बना सकते हैं। तो जो भी स्टॉक आइटम आपको सेल करना हो वो ले सकते हैं और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। कीबोर्ड ले लिया हमने, तो मान लीजिए कीबोर्ड 80 हमने परचेस किया और 100 रुपये के रेट से परचेस किया, बाकी से यहाँ एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, एंड ऑफ लिस्ट करके एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो गया हमारा। इसी तरीके से अगर आपको डेटर पार्टी का लेजर देखना है तो आप सेल्स वाउचर में चले जाइए और यहाँ से आप डेटर पार्टी का लेजर आप लगाइए। तो जो भी आपने डेटर पार्टी बनाया है, जैसे कि हमने बनाया है राजेश, तो यहाँ पर राजेश ले लेते हैं ये। ठीक है, और एंटरप्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कराइए और एक्सेप्ट करा करके एंटरप्रेस कीजिए, फिर एंटरप्रेस कीजिए, फिर यहाँ सेल्स अकाउंट लगाइए। फिर कीबोर्ड लिया था हमने तो कीबोर्ड ले लेते हैं, 90 आइटम है, 80 आइटम भेज देते हैं, ये 80 आइटम भेज दिया हमने 220 रुपये के हिसाब से और कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लिया। तो ये इस तरीके से लेजर बन जाता है। आई होप की बात समझ में आई होगी। जब प्रिंट निकलना होगा तो यहाँ आएंगे और देखेंगे तो आपका प्रिंट भी निकल जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है और आई होप की कन्फ्यूजन इससे ज़रूर दूर हो जाएगी आपकी।
यहां पर राजेश पे जाइए, ये देखिए सेल्स वाउचर वाला प्रिंट है, तो ऑल्ट के साथ पी प्रेस करके एंटर प्रेस करके फिर एंटर प्रेस कीजिए और यहां से प्रीव्यू कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि प्रीव्यू भी आपको नजर आएगा, ये कैश इनवॉइस है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रीव्यू आपको नजर आएगा, आई होप की बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह से क्रेडिटर पार्टी का प्रीव्यू देखना हो तो वो भी आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली। किसका आपने एंट्री पास किया था, तो यहां पे दुर्गा वाला ये एंट्री पास हुई थी, तो यहां पर आएंगे और यहां से ऑल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और आई बटन प्रेस कर दीजिए तो ये एंट्री आ जाएगी। तो ये देखिए ये एंट्री जो है कीबोर्ड परचेजिंग वाली एंट्री है, तो कुछ इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।